डेवलपमेंटल की बात आप कर रहे हैं, अपोजिशन का जो एलिगेशन है प्राइस राइज को लेके, उसे नहीं नहीं वो तो प्राइस राइज जरूर, प्राइस राइज तो हुआ है यूक्रेन युद्ध के बाद, प्राइस राइज तो हुआ है, ये तो सही बात, सारा दुनिया में हो रहा है और इन इंडिया में भी हुआ है, और ये लोगों का बहुत तकलीफ भी हो रहा है, गैस का प्राइस बढ़ गया थोड़ा इधर उधर, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गया, लोग उद्योग के लिए वो ठीक नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विच वी हैव टू फेस, एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम विच इज जिसका छाया जिसका शेडोज हैव बीन फेल्ट इन इंडिया इन इंडिया, सो यस दे कैन रेज द प्राइस राइज एंड दे कैन सर्टनली, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट इज द फ्यूचर, विल यू बी एबल टू हैंडल द प्राइस राइज बेटर देन दिस गवर्नमेंट, आई डो नॉट थिंक सो, बिकॉज ए गवर्नमेंट का एक चीज़ है कि एक कोहेरेंस है, एक यूनिटी है, आप 10 जगह आप एक बोल रहे हैं इसमें जाएंगे, एक बोलेंगे दूसरा करो, तो उसमें जो इनकोहेरेंस जो आएगा वो तो हम लोग श्रीलंका के स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो ये फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी पॉलिटिकल पर्पस विल बी अ फैक्टर इन दिस। ओके सर, कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो किसी ने कभी साहस नहीं किया वो करने के लिए, जैसे ट्रिपल तलाक की बात हो, 370 की बात हो, ये बड़ा अचीवमेंट है? देखिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जो चुनाव की घोषणा पत्र में जो लिखते हैं लोग लिखने के लिए लिख देते हैं भाई, वो तो चलता है, लेकिन इस बार मोदी जी ने दिखाया कि हमारा शक्ति हुआ तो हम एक बड़ा कदम, डिसाइसिव एक कदम लिया है दोनों में, ट्रिपल तलाक में 1939 के बाद ये पहले टाइम हुआ कि मुस्लिम पर्सनल लॉज हैव बीन मॉडिफाइड रिफॉर्म्ड, 1939 से कोई उस पर नोबडी टच्ड इट, और दूसरी कम्युनिटीज़ का पर्सनल लॉज बहुत साल से 50s में हुआ, 60s में, एवरी नाउ एंड देन चेंज होता है, होते रहते, तो दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, तो कि सेकेंडली ये जो कश्मीर का 370 में संविधान में लिखा हुआ है कि ये टेम्पोररी प्रोविजन था, लेकिन टेम्पोररी का मतलब क्या है, वो तो चलो भाई वो तो टेम्पोररी वो परमानेंट हो जाएगा, वो लोग नौकरी में जैसा होता है ना, टेम्पोररी शुरू करते हैं उसके बाद धीरे धीरे परमानेंट हो जाता है, तो वही होने था हो गया था, तो एक बड़ा कदम लिया, लेकिन कश्मीर में अभी भी समस्या है, कश्मीर में जो समस्या है, कश्मीर में आप एक बड़ा इंसर्जेंसी अभी तक चल रहा है, आप ये कर दिया कि लद्दाख को एटलीस्ट सेपरेट कर दिया कि लद्दाख इज पीसफुल, बट कश्मीर वैली में अभी भी पाकिस्तान को हाथ में एक इस्लामिक जो इंसर्जेंसी हो रहा है उसके लिए तो अभी बड़ा कदम लेना है, लेकिन एक चीज़ आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा छोटा छोटा इंसर्जेंसी बहुत था, अभी 7-8 साल के बाद पूरा खत्म हो गया ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय अबाउट 80%, सब जगह कोई ना कोई समझौता हुआ है, और समझौता हुआ है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों से प्रोलॉन्ग बातचीत करने में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट, उनका जो रिप्रेजेंटेशन था, उनका जो एक सम्मान चाहते थे, ये सब, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा था एक एलियनेशन होता था कि ये भाई इंडिया का ये है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट है, अलग एक अलग चीज़ होता, डेवलपमेंट के नाम पे चोरी होता था, करप्शन, अब जो नॉर्थ ईस्ट में 7 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ है, ये सारा स्वाधीनता के 47 साल से बाद, ये एक यूनिक, इतना डेवलपमेंट इतना कम टाइम में कभी नहीं हुआ, ये आसाम बोलिए आप, मेघालय बोलिए, त्रिपुरा, अरुणाचल, सब जगह, सो द नॉर्थ ईस्ट इज बैक इन द मैप ऑफ इंडिया, ये एक बड़ा अचीवमेंट है इस सरकार की। फॉरेन पॉलिसी की बात करें, डिफेंस की बात करें, पहले चाइना डराता था, अभी डर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे हो रहा है, चाइना एक थ्रेट है,
चाइना का भारत का ऊपर क्या पर्पस है? पहले बहुत लोग कहते थे कि भाई चाइना इज अ कंपेटिटर नॉट एन एनिमी, अब ये लग रहा है कि भाई कंपेटिटर तो जरूर है और कंपेटिटर हो सकता है, वो तो भाई उनका दे हैव अ राइट टू बी अ कंपेटिटर इन द वर्ल्ड थिंग, बट एनिमी, सब जगह का बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना हैज रिजॉल्व्ड, सिर्फ भारत का साथ उन्होंने खोल के रख दिया कि ये लगेगा हम लोग कभी कभी इधर उधर करेंगे। तो चाइना सब जगह भारत को आइसोलेट एक जगह कॉर्नर करने का मतलब है, तो हम लोग भी पहले हम लोग पैसिवली ये सब मान लेते थे भाई उनको मत, चाइना को साथ टक्कर मत लो, बड़ा चीज़ है, हम लोग चाइना को साथ डायरेक्ट टक्कर नहीं ले रहे हैं। लेकिन सारा दुनिया में बहुत से देश है जो आज चाइना को फ्यूचर, चाइना को जो क्या उनका पर्पस है, व्हाट दे एम टू डू इन द फ्यूचर, उसका ऊपर एक दे आर वरीड, दे आर कंसर्न्ड, एंड वी हैव गॉट मोर ऑर लेस ऑल ऑफ देम टुगेदर।